Good morning class this is dhara your english teacher students we have done the chapter a game of chance and i hope you all have understood the chapter and have completed the exercises today we have a poem in front of us which is known as vocation okay this is not vacation vacation is v a c a t i o n vacation this is

बात आपको जाननी ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हम देखते हैं दिन भर में कितने सारे लोग कितने सारे काम करते हैं ओके आप सुबह सो के उठ के देखते हैं तो आपके घर में मोस्ट ऑफ दी पीपल आप कई सारे बच्चों के घरों में मेड्स आती होंगी जो बर्तन धुलती हैं झाड़ू पोछा करती हैं ठीक अगर आपके घर में हो सकता है कि कोई गार्डनर आता हो कोई माली आता हो या कोई ड्राइवर आता हो आपके घर में कार को वॉश करता हो पापा की कार ड्राइव करता हो या हो सकता है कि कोई वेजिटेबल सेलर आता हो आपके घर में वेजिटेबल्स देने के लिए ओके प्यून आता हो आप पोस्टमैन को देखते हैं वो लेकर के आता है लेटर्स एंड ऑल तो हम देखते हैं दिन भर में हम कई सारे लोगों को कई सारे काम करते हुए देखते हैं तो ये सभी क्या है वोकेशन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग वोकेशन होता है ओके अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या हमें बताया गया है ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क अगर आप अपने स्कूल से भी, भी आप जब आते हैं या आप अपने मार्केट को भी जाते हैं तो भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ठीक है आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई कोई स्वीपर है तो वो झाड़ू लगा रहा है ठीक है कोई शॉपकीपर है कोई मिल्क मैन है हर तरह के न्यूज़पेपर बॉयज़ हैं ड्राइवर्स हैं ये सभी का अपना अलग अलग काम है आइए देखते हैं इस पोएम में हमारे लिए क्या है वन द गग साउंड टेन इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर lane. सुबह जब दस बजता है घड़ी में गॉन्ग एक तरह का साउंड होता है ठीक है जब बड़ी बड़ी घंटियाँ होती हैं उसमें जब साउंड होता है बेसिकली जो पेंडुलम वाली वॉचेस होती हैं उसमें जब टन 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 की आवाज़ आती है उसे हम बेसिकली गोंग कहते हैं एक तरह की गूंज होती है ये ठीक है ये कह रहा है कि जब सुबह का दस बजता है एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आर लें मैं अपनी घड़ी या अपने रास्ते से अपने स्कूल को जाता हूँ एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स हर एक दिन मैं सुनता हूँ कि जो हॉकर है वो चिल्ला रहा है चूड़ियाँ ले लो क्रिस्टल यानी कि शीशे की बनी चूड़ियाँ ले लो हॉकर कौन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम करके या चिल्ला चिल्ला करके चीज़ों को सेल करता है बेचता है उसे हम हॉकर कहते हैं ठीक है देयर इज़ नथिंग टू हरी ही देयर इज़ नो रोड ही टेक नो प्लेस ही मस्ट गो टू नो टाइम when ही मस्ट कम होम वो जो व्यक्ति है उसको किसी भी तरह की कोई भी हरी नहीं रहती है कोई भी जल्दी नहीं रहती है उसको कोई और रास्ता भी नहीं पकड़ना होता है कि मैं आज इस रास्ते आज उस रास्ते ऐसी कोई उसके पास जगह भी नहीं होती है कि जहाँ उसको जाना है वो उसका कोई टाइम भी नहीं है कि उसे कब आना है कब जाना है वो बस यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता है और अपने बैंगल्स को क्रिस्टल बैंगल्स को बेचता रहता है आवाज़ लगाता रहता है कि चूड़ियाँ ले लो शीशे की चूड़ियाँ ले लो ऐसे हमने बहुत सारी आवाज़ें सुन रखी हैं वैसे ही जो पोएट है हमारा उसने भी सुन रखा है बैंगल्स को बेचने वाले के लिए आई विश आई वर अकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स अब मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी एक हॉकर होता अपना पूरा दिन रोड पर रास्ते पर बिता देता ये चिल्लाते हुए कि बैंगल्स ले लो क्रिस्टल की बैंगल्स ले लो बैंगल्स मीन्स चुड़ियाँ चूड़ियाँ ले लो क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो वन एट फोर इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल चार बजे दोपहर में जब मैं अपने स्कूल से वापस आता हूँ कम बैक बैक मतलब वापस आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड तो फिर मैं रास्ते में जो एक घर पड़ता है उस घर के गेट के थ्रू गेट के माध्यम से गेट के अंदर जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये गार्डनर एक माली है जो कि ग्राउंड को डिग कर रहा है डिग मतलब खोदना ठीक है जो ग्राउंड है जो जमीन है उसको एक माली खोद रहा है ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिपे स्पेड ही सॉइल्स इज क्लोज विद डस्ट नो बरी टेक्स हिम टू द टास्क इफ ही गेट्स बेग इन द सन और गेट्स वेट वो जो है अपने काम को जो कि उसे पसंद है उसको अपने स्पेड से करता है स्पेड एक तरह का औजार होता है जिससे कि मिट्टी को खोदा जाता है बेसिकली इसे फावड़ा भी कहा जाता है और ही सॉइल्स इज क्लोज विद डस्ट वो अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर लेता है सॉइल्स मतलब मिट्टी से मटमैला या गंदा कर लेना नो बडी टेक सिम टू टास्क वो उसका क्या काम करता है कुछ भी वो कोई भी उसको इन्वॉल्व नहीं करता है ही गेट्स और गेट्स वेट गेट वो जब धूप में काम करता है तो कभी कभी वो धूप में जल भी जाता है बेक भी हो जाता है और कभी कभी वो बारिश में भीग भी जाता है आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन मैं सोचता हूँ मैं विश करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक गार्डनर होता डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो वडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग कहीं किसी ज़मीन में मैं भी कुछ खोदता रहता और कोई भी मुझे वो खोदने से वो काम करने से नहीं रोकता Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed और जैसे ही रात होती है अंधेरा होता है शाम होती है वैसे ही मेरी मम्मी मुझे मेरे बेड में भेज देती हैं I can see through my open window the watchman walking up and down और मैं अपनी खुली हुई खिड़की की uh, के थ्रू ओपन विंडो के थ्रू देखता हूँ एक वॉचमैन को जो कि ऊपर से नीचे तक टहल रहा है चल रहा है वॉक कर रहा है वॉचमैन कौन होता है वी ऑल नो रात में जो भी व्यक्ति हमारी पहरेदारी करता है रखवाली करता है उसे हम वॉचमैन कहते हैं वॉच का बेसिकली मन होता है टू तो कीप एन आई किसी चीज़ को ध्यान से देखना या किसी चीज़ को नोटिस करते रहना तो वॉचमैन का जो काम होता है उसमें तो काम होता है कि वो रात में चीज़ों को नोटिस करता रहे या दिन में नोटिस करता रहे कि क्या क्या घटनाएँ आस हो रही हैं कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो कि गलत है या नहीं होनी चाहिए तो इसीलिए उसे वॉचमैन कहा जाता है क्योंकि वो सब कुछ वॉच करता रहता है सब कुछ देखता रहता है द लेन इज़ डार्क एंड लोनली जो गली है वो अंधेरी है और अकेली है मतलब उसमें कोई भी आ जा नहीं रहा है एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ चाइंट विद वन रेड आई इन हिज हेड और जो स्ट्रीट लैम्प जो रोड पर जो लाइट लग रखी है वो जो इस तरह से जल रही है अपने उस मतलब उसका एक बल्ब फ्यूज है वो सिर्फ़ एक आंख से इस तरह से जल रही है रेड कलर की जिससे कि लग रहा है कि कोई बहुत विशालकाय व्यक्ति है जिसकी कि एक आँख जल रही है द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज बेड टू बेड इन हिज लाइफ जो वॉचमैन है वो अपने लैंटन अपनी लैंटेन को जो भी उसके पास लाइट लाइट के लिए है उसके पास लैंप वो उसको स्विंग मतलब उसको हिलाता झुलाता हुआ वो वॉक कर रहा होता है विथ हिस शेडो एट हिस साइड और जब वो लैंटन को एक साइड में लिया रहता है तो उसकी जो शेडो है वो उसके ऑपोजिट साइड में फॉर्म होती है तो वो खुद अपनी परछाई के साथ ही पूरी रात इसी तरह से चलता रहता है और वो रात में कभी भी अपने बेड पर नहीं जाता है अपनी लाइफ में वो कभी बेड पर नहीं जाता है आई विश आई वर अ वॉच मैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट मैं सोचता हूँ मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक वॉचमैन होता और मैं पूरी रात स्ट्रीट्स पर गलियों में इसी तरह से वॉक करता रहता घूमता रहता चेजिंग द शेडोज़ विद माय लैंटन और अपनी ही परछाइयों का पीछा करता रहता अपने लैंटन के साथ चेजिंग मतलब पीछा करना ओके तो दिस इज अ पोएम रिटन बाय रबींद्राथ टैगोर एंड आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी एंड आपको ये भी समझ में आया होगा कि एज अ स्टूडेंट एज यंग टॉडलर और यंग पर्सन लाइक यू एक छोटा बच्चा जो डिसाइड नहीं कर पाता है यंग एज में कि उसे क्या बनना है तो उसको हर प्रोफेशन हर एक काम अच्छा ही लगता है उसे लगता है कि आपको भी लगता होगा कभी आपको मन करता होगा कि आप पुलिस बन जाए कभी आपको मन करता होगा कि आप डॉक्टर बन जाए कभी साइंटिस्ट कभी टीचर कभी एनीथिंग थिंग तो, तो हो सकता है आपको मुझे किसका मन हो एक्टर बनने का किसी को एथलीट बनना होगा किसी को फुटबॉलर बनना है किसी को क्रिकेटर बनना है तो आपका भी एम आई होप सबका क्लियर हो बट अगर किसी बच्चे का एम क्लियर नहीं है तो ये पोएम उन्हीं के लिए है कि आज आपको को ये अच्छा लग गया तो आपको ये बनना है कल को आपको कुछ और अच्छा लग गया तो आपको कुछ और बनना है तो हर तरह के प्रोफेशन होते हैं आपके ऊपर कोई बाउंड्रेशन नहीं होती है कि आप क्या बनना चाहो जो आपको अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि आप पूरी मन से पूरी लगन के साथ कर सकते हैं आपको उसी तरह से अपना प्रोफेशन अपना वोकेशन चूज़ करना चाहिए किसी को देख करके नहीं किया जाता है अगर आपके अंदर वाकई वो टैलेंट है तो आपके टैलेंट टैलेंट को पहचाना जाता है रिकॉग्नाइज किया जाता है दिक्कत आती है तो फैमिली वालों की हेल्प ली जाती है अपने टीचर्स की हेल्प ली जाती है और फिर अपना करियर अपना वोकेशन चूज़ किया जाता है और इसके लिए खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और एक अच्छा सिटीजन भी बनना ज़रूरी है ओके सो दिस इज ऑल फ्रॉम द पोयम आई होप आपको समझ में आया होगा आप दोबारा से इसे रीड करेंगे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं आप उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करेंगे नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तब तक पढ़ते रहिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू क्लास